नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का किया शुभारंभ। कहा कि देश में खाद्यान्न और बागवानी क्षेत्रों में भरपूर हो रहा है उत्पादन। श्री अन्न को प्रतिष्ठा प्रदान कर छोटे किसानों की ताकत बढ़ाना प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कनाडा में स्केचवॉन के प्रीमियर स्कॉट मो के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक। दोनों नेताओं ने कृषि सहित सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करने की दोहराई प्रतिबद्धता। कृषि मंत्री तोमर ने G20 वैश्विक आयोजनों के लिए कनाडा के सक्रिय सहयोग का किया आग्रह। ICAR और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित एक बैठक की केंद्रीय कृषि सचिव और उर्वरक विभाग के सचिव ने की सह अध्यक्षता। राज्यों को सलाह, नैनो उर्वरकों और जैव उर्वरकों के उपयोग को करें प्रोत्साहित। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू और कश्मीर के रणवीर बाग में जमे हुए ब्रिय स्टेशन की रखी आधारशिला। जमे हुए ब्रिय स्टेशन कश्मीर को उच्च गुणवत्ता और रोग मुक्त जर्म प्लाज्म के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में करेगा सक्षम। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत 2163.57 लाख रूपए की राशि स्वीकृत। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया। मेले में हजारों किसानों के साथ ही वैज्ञानिक गण व स्टार्टअप के उद्यमी भी शामिल हुए। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के माध्यम से दुनिया भर में श्री अन्न का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्देश्य है कि भारत के 86% छोटे किसानों की ताकत बढ़े। दिल्ली में प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर भी श्री मोदी को गांव में रह रहे इन छोटे किसानों की चिंता होती है। मोटा अनाज ये छोटे किसान ही उगाते आए हैं और इन्हें समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री ने मोटे अनाज को श्री अन्न का नाम से प्रतिष्ठा प्रदान कर अनेक कार्यक्रमों की आयोजना भी की है। तोमर ने कहा कि छोटे किसानों के सर्वगीण हित में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष प्रधानमंत्री मोदी के चिंतन का परिणाम है। उन्होंने ही भारत सरकार की तरफ से संयुक्त राष्ट्र को एक वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भेजा था। प्रधानमंत्री श्री मोदी 18 मार्च 2023 को दिल्ली में होने वाले वृहत समारोह में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष की विधिवत लॉन्चिंग करेंगे, जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक, अन्य प्रतिनिधि व कई देशों के मंत्री शामिल होंगे। श्री तोमर ने पूसा कृषि विज्ञान मेले की थीम श्री अन्न रखने की सराहना करते हुए कहा है कि इस मेले के माध्यम से भी किसानों को काफी लाभ मिलेगा। श्री तोमर ने कहा कि इस बार G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के पास है और उन्होंने इसकी थीम रखी है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि से भारत दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान है, कृषक जितनी तरक्की करेगा, जितना समृद्ध होगा, देश उतना ही तरक्की करेगा, उतना ही समृद्ध होगा। भारत को बढ़ाना है तो किसानों की ताकत बढ़ानी होगी। वही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कनाडा में स्कॉटमैन के प्रीमियर स्कॉट मो के बीच नई दिल्ली में मुलाकात हुई। स्कॉट मो के साथ कनाडा प्रतिनिधिमंडल भी आया था। कृषि मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए भारत व कनाडा के बीच पुराने और मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख किया, जो लोकतंत्र, बढ़ते आर्थिक जुड़ाव, नियमित उच्च स्तरीय चर्चा व लंबे समय से चले आ रहे लोगों के बीच संबंधों के साझा मूल्य को प्रदर्शित करता है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के मद्देनजर भारत 18 मार्च 2023 को नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति होगी। उन्होंने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्कॉट मो को निमंत्रण भी दिया। दोनों नेताओं ने G20 में भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में भी बात की और कृषि मंत्री ने G20 बैठकों के लिए भारत की तैयारियों व कार्यक्रमों के बारे में बताया और इन वैश्विक आयोजनों के लिए कनाडा के सक्रिय सहयोग और समर्थन का आग्रह किया।
स्कॉट मो ने बैठक के लिए कृषि मंत्री को धन्यवाद दिया और कृषि संबंधी चुनौतियों में भारत व स्कॉटलैंड के बीच समानता के बारे में बताया। केंद्रीय कृषि सचिव और उर्वरक सचिव की आईसीएआर और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में कृषि से संबंधित मुद्दों पर बातचीत हुई। मृदा स्वास्थ्य के सुधार और उत्पादकता में वृद्धि के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया गया और राज्यों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के आधार पर रासायनिक, जैविक और जैव उर्वरकों तथा अन्य अभिनव उर्वरकों के विवेकपूर्ण मिश्रण को प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई। हाल के वर्षों में नैनो उर्वरकों को बाजार में पेश किया गया है और आईसीएआर द्वारा किए गए परीक्षणों में इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे नैनो उर्वरकों और अन्य अभिनव उर्वरकों जैसे कि सफल कोटेड यूरिया, ट्रिपल सुपरफॉस्फेट, शीरे से प्राप्त पोटाश, जैव उर्वरकों के उपयोगों को प्रोत्साहित करें। नैनो उर्वरकों के उपयोग से पौधों का बेहतर पोषण होता है। आईसीएआर ने नैनो उर्वरकों के संबंध में विभिन्न खुराकों के साथ कई स्थानों पर विभिन्न फसलों में जैव प्रभावकारिता परीक्षण आयोजित किए हैं और नैनो यूरिया के उपयोग के लिए पैकेज ऑफ प्रैक्टिस तैयार करने की प्रक्रिया जारी की है जो किसानों को इन उर्वरकों को अपनाने में मदद करेगा। कुछ राज्यों ने यह भी बताया है कि किसानों को नैनो उर्वरकों के प्रयोग से उपज और गुणवत्ता के मामले में अच्छे परिणाम मिले हैं और वे एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और नैनो यूरिया के उपयोग के संबंध में प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जहां केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जम्मू और कश्मीर के रणबीर बाग में जमे हुए व्रीय स्टेशन की आधारशिला रखी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के अंतर्गत इस व्रीय स्टेशन को कुल 2,163.57 लाख रुपए की राशि के साथ स्वीकृति प्रदान की गई है। जमे हुए व्रीय स्टेशन कश्मीर प्रांत को कृत्रिम गर्भधान हेतु उपयोग किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता और रोग मुक्त जर्म प्लाज्म के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम करेगा। पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने संबोधन में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के सभी विभागों को सलाह देते हुए कहा है कि सभी योजनाओं का 100% उपयोग करें। उन्होंने कहा है कि मंत्रालय योजनाओं के उपयोग की समन्वय और निगरानी करे। जमे हुए व्रीय परियोजना रणबीर बाग की स्थापना वर्ष 1980 में इंडो डैनिश परियोजना के अंतर्गत हुई थी। डैनिश सरकार और भारत सरकार के बीच एक सहायता कार्यक्रम दानीडा के अंतर्गत जमे हुए व्रीय प्रसंस्करण के उपकरण प्राप्त हुए थे। परियोजना को वर्ष 1982 में क्रायो संरक्षित व्रीय को संसाधित करने के लिए शुरू किया गया था और जमे हुए व्रीय परियोजना रणबीर बाग पशुधन विकास बोर्ड कश्मीर मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कश्मीर प्रांत में मवेशियों के कृत्रिम गर्भधान में उपयोग की जाने वाली जमे हुए व्रीय खुराक के उत्पादन में लगी हुई है। ये स्टेशन घरेलू चारा का उत्पादन करने के साथ साथ लगभग 300 कनाल भूमि में फैला हुआ है। ये स्टेशन केंद्र शासित प्रदेश के गांधरबल जिले में हरमुख पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है और जैव सुरक्षा के प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। बिहार के भोजपुर जिले में आरा में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से मोटे अनाज बाजरा को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि प्रदेश में बाजरा के उपज को बढ़ावा देना होगा जिससे भारतीय बाजरा दुनिया में मानचित्र पर आ जाए। बहुत से हमारे किसान भाई है, बहुत से लोग नहीं जानते हैं निवेश क्या है। मोटा मोटी बिहारी भाषा में कह रहा हूँ कि जो मोटा अनाज पहले हुआ करता था, आज से 7-70 वर्ष पहले गांव में, खास करके भोजपुर जिला में और पूरे बिहार में बहुत सा जिला है जहाँ मोटा अनाज खेती होती थी। हम लोग के गाँव में भी होता था, जैसे सामा है, कौनी है, मरुआ है, बहुत सब ऐसा है जो उसके खाने से भी काफी फायदा होता था लोगों को।
लेकिन धीरे 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 वो हमारे देश से खास के हमारे बिहार से वो समाप्त हो गया। पुनः स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भी वो बहुत ही लाभदायक है। इसलिए भारत सरकार खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी का ये विशेष अनुरोध है, इच्छा है कि मिलेट्स का भी अपने देश में प्रचार प्रसार किया जाए। और बिहार के भोजपुर में 28 फरवरी से 1 मार्च तक 2 दिवसीय मिलेट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया। अपने एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि मिलेट महोत्सव कार्यक्रम के अवसर पर लगाई गई प्रदर्शनी का दौरा कर प्रदर्शित उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भोजपुर का मिलेट महोत्सव श्री अन्न के प्रति लोगों की जागरूकता तो बढ़ाएगा ही और साथ ही इसे खान पान में भी शामिल करने के लिए प्रेरित करेगा। प्याज की गिरती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए नेफेड ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में 13 केंद्रों पर किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद कर रही है। केंद्र सरकार ने 22 फरवरी को सरकारी एजेंसी नेफेड को किसानों से सीधे प्याज खरीदने के निर्देश दिए थे और अब तक 1327 मीट्रिक टन से अधिक प्याज की खरीद हो चुकी है। इन केंद्रों से प्याज को महाराष्ट्र से बाहर खपत वाली मंडियों में भेजा जा रहा है। देखते हैं ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश में प्याज की कीमतों में आई गिरावट को नियंत्रित कर किसानों को उनके उत्पाद का वाजिब दाम दिलाने के साथ उपभोक्ताओं को उचित दर पर प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए केंद्र सरकार ने नेफेड को प्याज की खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में नेफेड द्वारा महाराष्ट्र के नासिक जिले में किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद की जा रही है। इसके लिए 13 जगहों पर केंद्र बनाकर 9 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्याज की खरीद की जा रही है। नेफेड के अध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा कि 22 फरवरी को केंद्र सरकार द्वारा प्याज की खरीद के लिए निर्देश दिए गए और त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 फरवरी से नेफेड ने खरीद शुरू कर दी। अभी तक 1327 मीट्रिक टन से भी अधिक प्याज की खरीद की जा चुकी है। सरकार सतर्क है कि प्याज का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अब 1327 मीट्रिक टन अभी तक नेफेड ने वहां 9 रुपए केजी के दर से प्याज खरीदा है और उसको दिल्ली और जिन जिन शहरों में आवश्यकता है वहां भेजना शुरू कर दिया है ताकि वहां किसान की मदद हो रही है और बड़े शहरों में उपभोक्ता की मदद हो रही है। डॉक्टर बिजेंद्र सिंह ने कहा कि दिल्ली में उपभोक्ताओं को उचित दर पर प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित हो इसके लिए बाजार की मांग को देखते हुए नेफेड द्वारा किसानों से सीधी प्याज को खरीदकर रोजाना 8 से 10 गाड़ियां दिल्ली की मंडियों में भिजवाई जा रही हैं। दिल्ली एक सबसे बड़ा शहर है और यहाँ एज कम्पेयर टू बॉम्बे मद्रास बेंगलोर यहाँ प्याज की कंपेरेटिवली खपत ज्यादा है तो दिल्ली में कभी 8 गाड़ियां आ गई कभी 5 आ गई कभी 15 आ गई वो वेरी करता है सिस्टम जैसे वहां से मिलता है वैसे ही भेजते रहते हैं। नेफेड द्वारा प्याज की खरीद से किसानों में खुशी का माहौल है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को चिंता को दूर करने के लिए नेफेड के माध्यम से प्याज खरीदा। इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि इस प्रकार आपने किसान की चिंता की। नेफेड द्वारा सीधे किसानों से प्याज की खरीद से किसानों को 200 से 300 रुपए प्रति क्विंटल का फायदा हो रहा है। अभी तक लगभग 400 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। अप्रैल मई में प्याज की कीमतें नियंत्रित रहें इसके लिए अभी से नेफेड ने कार्य योजना बनाकर तकरीबन 125,000 मीट्रिक टन प्याज खरीद का अनुमानित लक्ष्य रखा है। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और केंद्र सरकार के निर्देश पर नेफेड के नासिक के किसानों से प्याज खरीदने पर किसानों को राहत मिलने लगी है। प्याज की गिरती कीमतों को थामने के लिए केंद्र सरकार ने किसानों से लाल प्याज की सीधी खरीद शुरू करने के लिए नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि नेफेड को निर्देश दिए थे। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी में औसत थोक मूल्य सोमवार के 470 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर बुधवार को 700 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है और
लासल गांव में आने वाले प्याज की मात्रा सोमवार को लगभग 24,000 क्विंटल से घटकर बुधवार को 14,000 क्विंटल हो गई है, क्योंकि कई किसानों ने अपनी उपज को नेफेड में बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि महासंघ 900 रुपए प्रति क्विंटल की पेशकश कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के निर्देश पर नेफेड ने शनिवार को खरीफ प्याज की खरीद के लिए 5 केंद्र स्थापित किए हैं और इन केंद्रों से प्याज को महाराष्ट्र से बाहर खपत वाली मंडियों में भेजा जा रहा है, ताकि गिरती कीमतों में स्थिरता लाई जा सके। प्याज की कीमतें 400-500 रुपए तक गिरी थी, इसी में गवर्नमेंट ने, जो उपभोक्ता मंत्रालय ने नाफेड को जो खरीदी करने बोला है, वो खरीदी की वजह से 200 टन मेट्रिक टन का जो खरीदी बढ़ गया, इसकी वजह से किसान को 2-3 रुपए से और कीमत ज़्यादा मिल गई, इससे थोड़ा बहुत उनका नुकसान भी कम हुआ। हम किसान और उनकी खरीदी की और उनका जो MSP की दर से खरीद करने की हम मांग रखते हैं, और ऐसा ही नाफेड का काम अच्छा ही चलना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से प्याज ज़्यादा होने से प्याज की कीमतों में बहुत गिरावट आई थी, लेकिन अब केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ भारतीय तई पवार ने नाफेड के माध्यम से प्याज की खरीदारी शुरू की है, उनसे किसानों को राहत मिल रही है। अभी इस वक्त 8 केंद्रों में 950 मेट्रिक टन प्याज खरीदी हो रहा है। नाफेड ने आपके प्रयास करके जो प्याज खरीदी किया है, उससे किसानों का फायदा हो रहा है, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा प्याज खरीदी कर किसानों का फायदा करना चाहिए और ये प्याजों की कीमतें बढ़ानी चाहिए। और विश्व वन्य जीव दिवस आज है। वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 3 मार्च का दिन वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन्य जीव से हमें भोजन तथा औषधियों के अलावा भी अनेक प्रकार के फायदे मिलते हैं। इसके अलावा वन्य जीव जलवायु को संतुलित रखने में भी सहायता करते हैं। दुनिया भर से लुप्त हो रहे वनस्पतियों और जंगली जीव जंतुओं की प्रजातियों के प्रति जागरूकता फैलाना भी इसका मकसद है। 3 मार्च 2014 को पहली बार विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया था। दुनिया भर में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। भारत में इस समय 900 से भी ज्यादा जीवों की प्रजातियां खतरे में हैं। समय रहते इस ओर ध्यान न दिया गया तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2013 को अपने 68वें अधिवेशन में वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने एवं वनस्पति के विलुप्त प्राय प्रजाति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 मार्च को हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाने की घोषणा की थी। वन्य जीवों को विलुप्त होने से रोकने के लिए सबसे पहले साल 1872 में वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पारित हुआ था। और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विश्व वन्य जीव दिवस पर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि विश्व वन्य जीव दिवस वन्य जीव प्रकृति का अभिन्न अंग है और इसकी सुरक्षा और संरक्षण दोनों ही जरूरी है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो राजकोट और बेगू मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं हिम्मतनगर और बस्ती मंडी में नरमी रही, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की हिम्मतनगर मंडी में 1 मार्च को सोनालिका गेहूं का भाव रहा 2,880 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में 222 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 2,658 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान लोकवान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 मार्च को लोकवान गेहूं का भाव था 2,150 रुपए, 2 मार्च को इसके सौदे 40 रुपए चढ़कर 2,190 रुपए पर हुए। राजस्थान की बेगू मंडी में 1 मार्च को गेहूं का भाव रहा 2,150 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 2,160 रुपए पर। हालांकि लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे।
यहां 1 और 2 मार्च को गेहूं 2300 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में इस दौरान धारा क्वालिटी के गेहूं के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 1 मार्च को धारा गेहूं का भाव था 2300 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव 50 रुपए टूटकर 2250 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में गेहूं की उपज 1,121,82,000 टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 44,40,000 टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान देश में गेहूं की पैदावार 1,77,42,000 टन रही थी। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो इन दिनों सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। एग्वाकनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 1 मार्च को सरसों का भाव था 4,700 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 4,700 रुपए पर बरकरार रहा। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,050 रुपए, 2 मार्च को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 5,000 रुपए पर हुए। राज्य की ही लालसोट मंडी में 1 मार्च को सरसों का भाव था 5,251 रुपए, 2 मार्च को इसके भाव में 49 रुपए की तेजी आई और भाव 5,300 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,100 रुपए, 2 मार्च को इसके सौदों में 50 रुपए की मजबूती आई और भाव 5,150 रुपए हो गया। हालांकि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 मार्च को सरसों 6,260 रुपए पर बिकी। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं बात सरसों की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128,18,000 टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन से 8,55,000 टन अधिक है। और मंडी खबर के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ अन्य खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बजट उपरांत वेबिनारों को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिशन मोड में पर्यटन का विकास विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के प्रति बढ़ते आकर्षण के बीच विदेशी सैलानियों का भारत आना लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हमें विदेशों से आने वाले यात्रियों पर खास ध्यान देना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग ने हिस्सा लिया। रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 4 मार्च तक होने वाले इस कार्यक्रम के दूसरे दिन क्वाड के विदेश मंत्रियों ने रायसीना डायलॉग में एक पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने कई मुद्दों को शामिल करने के लिए क्वाड के निर्धारित क्षेत्रों का विस्तार किया है, जिनमें बहुपक्षीय संस्थानों का कार्य, आतंकवाद का मुकाबला, तकनीकी सहयोग, मानवीय सहायता और समुद्री सुरक्षा प्रमुख हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि क्वाड की ताकत यह है कि यह समान विचारधारा वाले देशों को साथ लाता है। उन्होंने साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र के भविष्य पर बात करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव अब सबसे मजबूत हैं।
और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय समेत अन्य वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति और धर्म के नाम पर देश को हमेशा बांटती आई है। तो ये थी खास खबर और किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।